1960 के दशक में नाटककार के रूप में उनकी पहचान। 1999-2000 में हमारा ड्रामा स्कूल का कॉन्वोकेशन था, तब हम लोग पारी देने के लिए गिरीश साहब आए थे। उसके अलावा मेरे ख्याल से जब से नाटक करने शुरू किया लगभग 91 में, तब से लगातार गिरीश सर की एक प्लेस को लगातार पढ़ते रहे और उनकी स्पीचेस याद करते रहे। तो जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो हमें ये कहा गया कि अगर आपने तुगलक नहीं पढ़ा तो आप थिएटर नहीं कर सकते। सही मायने में देखा जाए तो गिरीश जी कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन थिएटर। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, आप जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं।